जिसके अंदर ये ब्लैक टैपियो का सीड्स वो डालते हैं जो वेरी चूई रहते हैं। ये आपको सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक्चुअली बहुत ही टेस्टी चीज है। तो उसके अंदर फिर हमने बहुत सारी वेरिएशंस की, रादर देन जस्ट यूजिंग टीज वी स्टार्टेड यूजिंग मिल्क शेक्स, लस्सीज, योगर्ट्स, सॉरी कॉफीज, एंड उसके अंदर फिर हम रादर देन जस्ट टैपियोका सीड वी आर स्टार्टेड यूजिंग पॉपिंग बबल्स, जेलीज, एलोवेरा जेलीज, चॉकलेट चिप्स, एंड वी स्टार्टेड टू मेक दिस ड्रिंक वेरी इंटरेक्टिव। जैसे आप सबवे में जाते हो तो आप सैंडविचेस को नॉर्मली मेन्यू से नहीं चूज करते, आप उनकी इंग्रेडिएंट देख के चूज करते हो कि मे बी ये ब्रेड देना, ये दो तीन इंग्रेडिएंट देना है, बना के आप अपनी खुद का सैंडविच आप बनाते हो। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि लोग अपना खुद का एक ड्रिंक एंड खुद का एक कॉम्बिनेशन बनाए। तो या सो दैट्स द बेसिक आइडिया। एंड हमने इनिशियली ये चालू किया था तीन आउटलेट्स के साथ में। तीन आउटलेट्स के साथ में हमने क्यों चालू किया, बिकॉज दोज आर द थ्री एनवायरमेंट्स वी वांटेड टू फिट इन। एनवायरमेंट्स मतलब लोकेलिटीज, इन सेंस हमने एक एक आउटलेट मॉल में डाला था टू अंडरस्टैंड द मॉल के सेल्स, मॉल का सेल्स टाइमिंग कैसा होएगा, सेल्स स्टाइल कैसा होएगा, यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ रिएक्शन वी विल गेट फ्रॉम द मॉल। फिर हमने एक इंडियन कॉन्सेप्ट कॉल्ड खाओ गली, जो बॉम्बे में बहुत सारी खाओ गलीज है मुंबई में, तो हमने मुंबई की जो सबसे बेस्ट खाओ गली कॉल्ड काटर रोड उधर हमने एक आउटलेट डाला था। और तीसरा हमने आउटलेट डाला था एक हाई स्ट्रीट पे जो शॉपिंग स्ट्रीट है, तो जस्ट टू अंडरस्टैंड के लोग के सेल्स के रिएक्शंस क्या है, कैसे एक्सेप्ट होता है, कॉलेज से कैसे एक्सेप्ट होता है, कौन सी जगह पे कैसे टाइप का हमारे को क्लाइंट डलता है, एंड देन वी स्टार्टेड मूविंग ऑन टू फ्रेंचाइजिंग। नाउ व्हाई डॉक्टर बबल्स, लाइक इनिशियली मैंने आपको बताया क्यों डॉक्टर बबल्स, बिकॉज आपके पास कैफे ब्रांड है, हमारा एक यूएसपी है। Another thing, other than bubble tea, we are again coming up with a lot of more products which are very innovative and first time products launched in India. जैसे in food, we are the first people to come with bubble waffles. We the first one to come with waffle nachos. So these are nacho chips which are sweet, which you have to dip in an ice cream and have. We are the first one to come with ice cream burgers. तो वी आर कमिंग अप विद दिस वेरी न्यू प्रोडक्ट्स, जो जो यंग एंड हिप, जो एक्सपेरिमेंटिंग काइंड ऑफ क्राउड रहता है, उनको ये सब नवी नवी चीजों खाने का बहुत शौक रहता है। ये है कि जैसे कोई चीज यू नो आप देखेंगे कि एक ब्रांड है, फॉर एग्जाम्पल यू नो लॉट ऑफ मिल्क शेक ब्रांड जाते हैं, उनके पास खाली मिल्क शेक्स ही होते हैं। आप वो ब्रांड के पास दो टाइम जा सकते हैं, तीन टाइम जा सकते हैं, चौथी टाइम आप बोलेंगे यार मैंने इधर सब तो ट्राई कर लिया, अभी मैं और कितनी टाइम आऊँ। So we don't want that reaction with the customer. So we are going on innovating with new and new products. That is why a lot of our franchisees are still operating from the first day they've taken the franchise. So we have outlets which are operational from last 4 years and they're still operating in profit because we are going on innovating with new and new products. So right now we have sold about 45 outlets. We have got 4 awards in product innovation in the last 2 years. And another thing we do is FOFO model, franchise owned, franchise operated. Why do we do that? Because हमने दूसरा क्या किया, हमारी जितनी भी मशीनरी है, जो भी आप ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए करते हैं, we made it very very easy to use. हमारी जो रेसिपीज है वो हमने सबको 3 step प्रोसीजर में बना दिया। इसके इससे फायदा क्या है कि आपको कोई भी क्वालिफाइड शेफ या स्किल्ड प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक अ फ्रेशर जिसने कभी भी ये लाइन में काम नहीं किया, हम उनको एक दिन में ये पूरा पूरा ट्रेन कर सकते हैं। तो उसके वजह से आपके हाथ में जो पावर होता है ऑफ फायरिंग स्टाफ, जैसे बहुत लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं तो दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंचाइजर कि अभी ये स्टाफ को मैं निकाल नहीं सकता, मेरा ये स्टाफ से जम रहा नहीं है या ये स्टाफ बराबर से परफॉर्म नहीं कर रहा, पर मैं इसको निकाल नहीं सकता बिकॉज फ्रेंचाइजर ने बोला इनको इनकी बहुत जरूरत है इधर। तो व्हाट वी हैव मेड इज, वी हैव मेड दिस कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ स्टाफ, मतलब स्टाफ की जरूरत है बट स्टाफ से डिपेंडेंट नहीं है, मतलब यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्टाफ, यू कैन हायर एंड फायर वेन एवर यू वॉन्ट बिकॉज ट्रेनिंग इज वेरी इजी एंड ट्रेनिंग सपोर्ट। हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं, वी डू ऑल दी अदर यू नो जैसे हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग सेशन भी देते हैं, वी कीप ऑन अपडेटिंग द स्टाफ विद द न्यू एंड न्यू कॉन्सेप्ट। Now staff required. Lot of people की staff भी आप देंगे, yes, because हमारे को actually staff देने में कोई problem नहीं है, because what we are hiring is all fresher staff. तो fresher staff की पूरे इंडिया में किधर भी shortage नहीं है, shortage है तो skilled staff की, which we do not require. And so another thing,
you are again, yes, coming back to the same question, you are not dependent on us to get staff. You are just dependent on us to give training, which is done in 2 to 3 hours. एक बंदा इजिली ट्रेन हो जाता है बिकॉज अगेन लाइक आई टोल्ड इट इज अ मशीन ऑपरेटेड एंड अ वेरी 3 to 4 step प्रोसीजर फॉर एवरी प्रोडक्ट यू आर मेकिंग. नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन आउटलेट, आप देखेंगे कैफे जो भी इंडिया में बनते हैं वो 1000 फुट या 500 फुट या 600 फुट, यू नो, फ्रॉम 500 to 1000 square feet का बेसिक एक फंडा है, इतना तो मिनिमम आउटलेट होना ही चाहिए. हमने क्या किया है कि लोग जब भी, हमने क्या सोचा कि जब भी लोग इतने बड़े आउटलेट्स लेते हैं, वो पहली बात तो उसको इंटीरियर डेकोरेशन में पैसा लग जाता है, सेटअप करने में पैसा लग जाता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है ऑलरेडी बहुत हाई चले जाता है, तो ऑलरेडी आप एकदम हैवी रिस्क में चल रहे हैं. बहुत लोग लोन पे पैसा लेके करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट रेट्स, जो आपका ईएमआईज है, वो इतने हाई हो जाते हैं कि यू विल नेवर गेट अ चांस टू अर्न आउट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. तो हमने क्या किया ना, छोटा कॉन्सेप्ट बनाया जो 150 टू 250 स्क्वायर फीट एरिया में आपका इजिली सेट हो जाएगा. तो वो 150 एंड 250 स्क्वायर फीट के अंदर ऑल्सो वी गिव 10 टू 12 पीपल का सिटिंग. सो योर आउटलेट हैज सिटिंग ऑल्सो, योर आउटलेट हैज टेक अवे ऑल्सो, एंड योर आउटलेट डज होम डिलीवरी ऑल्सो. इसमें आपका इन्वेस्टमेंट इज बेयर मिनिमम. नॉर्मली आप आउटलेट देखेंगे 3-3 गाले 4-4 गाले की शॉप रहती है, इधर हमको सिंगल गाले की शॉप में काम करना है. नाउ बिकॉज इट इज स्मॉल, वी हैव आउटलेट्स विच आर, यू नो, एक ही बंदे से पूरा आउटलेट चलता है. बिकॉज कभी कभी आप देखेंगे आफ्टरनून टाइम पे ज्यादा क्राउड रहता नहीं है, बट बड़ा आउटलेट रहेगा तो भी मुझे 3 बंदे चाहिए आउटलेट चलाने के लिए. इधर बिकॉज आउटलेट छोटा है, वी रिक्वायर ओनली 1% टू रन इन लोअर सेलिंग टाइम्स. बट अगर समझो इवनिंग टाइम है जिधर एकदम पीक आवर है समथिंग, देन वी रिक्वायर मे बी वन और टू मोर पीपल. So the manpower required becomes very, very less. Second is creating an ambience. आप ये सोचिए, आप जितनी बड़ी जगह लेंगे उतना ही आपको उसके लुक पे खर्चा करना पड़ेगा, पर आप जितनी छोटी जगह लेंगे लुक पे उसका कॉन्सेप्ट बिठाने में बहुत कम एक्सपेंडिचर और बहुत कम एक्सपर्टीज लग जाती है. Another thing, for example, आपने देखा होगा इंडिया में सबसे फेमस क्या चीज है, भेड़ चाल मार्केटिंग. तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जो जगह पे क्राउड दिखेगा मैं ऑटोमेटिकली वही जगह पे जाऊंगा. तो फॉर एग्जांपल मुझे एक आउटलेट है जिधर मेरा 1000 फुट का आउटलेट है जिधर 25 टेबल है, 25 टेबल में से 5 टेबल भी फुल होंगे तो जगह दिखेगी खाली. ऑटोमेटिकली बाहर से देखने वाला इंसान बोलेगा कि यार ये जगह में तो दम नहीं है. बट हमारे, बिकॉज हमारा आउटलेट छोटा है, आप 5 आउटलेट नहीं, इधर आप 3 टेबल भी अगर फुल होते हैं तो जगह दिखती है फुल. तो क्रिएटिंग एन एम्बियंस विद अ स्मॉल आउटलेट becomes very easy for sale. Another thing, staff control. Because आपका outlet छोटा है, monitoring becomes easy through cameras. तो for example, बहुत लोग, बहुत investors रहते हैं जो, you know, बहुत कम time shop को दे पाते हैं. So for that we fit CCTV setup. तो जितना छोटा outlet रहेगा उसको easily आप monitor कर सकते हैं, आप staff को monitor कर सकते हैं, आप customer को monitor कर सकते हैं. And जितना बड़ा outlet रहेगा you will have to skip some areas. कि मे बी आप खाली कैश काउंटर पे कैमरा रख देंगे, एक आध दो टेबल पे रख देंगे, आप कभी भी टोटल कंट्रोल आपका रहेगा नहीं. नाउ दूसरा पॉइंट, स्टॉक कंट्रोल. नाउ इसमें दूसरा फायदा क्या है कि हम कोई भी चीज पेरिशेबल या मार्केट से लेके यूज नहीं करते, हमारा टोटल पैकेज्ड कॉन्सेप्ट है. तो जिसमें एग्जैक्टली एक डब्बे में हमारे को मालूम है कि इतनी ड्रिंक्स निकलनी है या एक पैकेट से इतने वॉफल्स निकलने हैं, तो जो कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल्स, कंट्रोल ऑफ स्टॉक्स बिकम्स वेरी इजी. एंड आपको फ्यूचर में कुछ ऑर्डर भी करना है तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगी कि 3 से 4 दिन में मेरा इतना सेल हो रहा है, मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, इट बिकम्स वेरी इजी टू ऑर्डर ऑल्सो. यू आर ओनली डिपेंडेंट ऑन अस फॉर स्टॉक्स, फॉर स्टाफ, फॉर ट्रेनिंग, फॉर एवरीथिंग. यू आर नॉट एट ऑल डिपेंडेंट ऑन द मार्केट, क्या हो रहा है, कि माल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. नाउ अनदर पॉइंट इज लेस ऑफ रेंट. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस. बिकॉज आप, यू नो, कैफे लेंगे तो आप प्राइम स्पॉट पे लेंगे, आप जितना प्राइम लेंगे एंड जितनी बड़ी जगह आप लेने जाएंगे आपको उतना महंगा रेंट पड़ते जाएगा. तो प्राइम स्पॉट तो, यू नो, इवन डॉक्टर बबल्स रिक्वायर द वेरी प्राइम स्पॉट, बट वी कैन कॉम्प्रोमाइज बाई द साइज ऑफ द प्लेस. लाइक हमारा जो सबसे छोटा आउटलेट है वो बॉम्बे में जस्ट 130 square feet आउटलेट, बट इट इज इन सेंटर ऑफ 5 colleges. तो वो आउटलेट इज डूइंग मोर सेल्स देन 400 स्क्वायर फीट आउटलेट अगेन विच वी हैव इन बॉम्बे. सो इट द लोकेशन डिपेंड्स, सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंट है वो लोकेशन है.
And if you can compromise on the space, we don't have a problem. Now another thing, automatically आपका जितना छोटा इन्वेस्टमेंट होएगा, जितनी कम कॉस्ट होएगी एंड जितना ज्यादा प्रॉफिट होएगा, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो विच इज द मेन पॉइंट फॉर एनी इन्वेस्टर टू पुट इन मनी इन एनी बिजनेस, इज टू गेट इन्वेस्टमेंट, टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आप फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटैलिटी में भी सोच रहे हैं, आपका लॉजिक क्या है हॉस्पिटैलिटी में डालने को, तो देख के लोग, अगर बाकी लोग पैसे कमा रहे हैं तो हम कैसे उसमें पैसा कमा सकते हैं. So because all these points are good, you can, your return on investment can be really, really fast. Now return on investment, एक तो ये back end हो गया, दूसरा है front end, कि आप business कैसे बढ़ा के return on investment fast कर सकते हैं. Now all these strategies we will help you from A to Z. हम A to Z आपको strategies देंगे, back end के लिए SOP manuals देंगे, operating manuals देंगे, everything we will be giving you as good as spoon feeding. So in sense, the only what you have to do is stand over there and do business. The next slide, basically how earlier I said it's a unique bubble tea brand. Now lab themed outlets, like how I told you ke concepts kaisa hai ki aap bubbles use kar sakte hai, apni drinks use kar sakte hai, toppings use kar sakte hai, to ek experiment jaisa ho jata hai. To humne hamare jo concepts jo banaye hain wo bahut lab themed type banaye hain. This then we use all imported ingredients. इसमें बहुत चीजें हमने localize भी की है, but वो जो भी localize की है वो हम खुद manufacture करते हैं. जैसे जितने भी syrups है, everything we manufacture. But जो चीज imported है and जिसकी quality imported में ही better आती है, हम वो imported ही वापरते हैं. But we make sure that उसकी pricing is top notch and you can make a really good profit out of everything. Another plus point in India is we are a completely vegetarian brand. We don't use any kind of non-veg material, anything. हमारी जो jellies है, जो लोग बोलते हैं gelatin से बनती है, वो भी हम coconut से बनवाते हैं. जो we are the only people in India to make coconut jellies, जिसके अंदर mango की taste या kiwi की taste, हम अलग अलग flavors की coconut jellies बनवाते हैं. बाकी आपको जितने भी Indian jellies मिलेगी, वो मैं भी agar agar की मिलेगी या gelatin की ही मिलेगी. Another thing, हमारी जितनी भी टीज होती है, हमारे जितने भी मिल्कशेक्स होते हैं, हमारी जितनी भी कॉफी लस्सी, एवरीथिंग वी आर फ्रेशली मेड और ब्रूड इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, उनके सामने कुछ भी ऐसा रेडीमेड पड़ा नहीं होएगा जो हम लोग खाली कस्टमर को फ्री में फ्रिज में से निकाल के दे रहे. तो पीपल रियली लाइक दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रेशली ब्रूड. अनदर थिंग, वी हैव ऑप्शंस ऑफ नॉन डेयरी क्रीमर्स, लाइक हमारे पास ऑप्शन है मिल्क शेक्स में टू मेक इट डेयरी फ्री, लैक्टोज फ्री. इंडिया में बहुत लोग हैं जिनको लैक्टोज से प्रॉब्लम है या डेयरी से प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ही स्टूपिड प्रॉब्लम है. तो बहुत लोग बोल नहीं पाते कि यार मुझे, बस खाली मिल्क अवॉइड करना चालू कर देते हैं कि यार मिल्क से मुझे तकलीफ हो जाती है. तो दैट्स व्हाई वी गिव देम अ मिल्क शेक, थिक आइसक्रीम मिल्क शेक जिसके अंदर कोई भी मिल्क नहीं होता, कोई भी डेयरी नहीं होता. तो इट इज अ टोटल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट. तो we are the only people in India to again do that. So plant-based milkshakes, no one else is doing in India. And but it tastes exactly like a thick ice cream shape. इसमें कोई almond का taste नहीं, कोई soy का, कोई भी after taste नहीं रहता. Regular आपके milkshake की जैसे ही taste होता है. These are some of the awards we have got, some of the branches we have, some of the franchises we have. Again, I am going to be sending the list of all this. फ्रेंचाइजी, देन ये पूरा प्रेजेंटेशन एंड द फाइनेंशियल मॉडल, जिसमें डिटेल्ड फाइनेंशियल मॉडल होएगा, ऑन ईमेल टू ऑल ऑफ यू ऑल हु वांट्स द डिटेल, प्लीज चैट बॉक्स में जाके आप अपना ईमेल आईडी डाल देना याद से. तो आई विल बी सेंडिंग यू आफ्टर द प्रेजेंटेशन, आई विल बी सेंडिंग ऑल ऑफ यू पर्सनली बाय माय आईडी, आई विल बी सेंडिंग यू द होल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ब्रांड. नाउ अनदर थिंग एवरीवन आस्क्स, डॉक्टर बबल्स हमने ब्रांड ले ली, हमने फ्रेंचाइजी ले ली, अभी हमको ब्रांड से सपोर्ट क्या मिलेगा? हम आपका ब्रांड, आपका बोर्ड लगाने वाले हैं, तो हमारा क्या फायदा है? सबसे पहले तो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो मार्केट में और कोई भी नहीं दे रहा है. चलो प्रोडक्ट एक हो गई साइड में, और प्रोडक्ट छोड़ के आप क्या क्या दे रहे हो आप पूछेंगे. तो अनदर थिंग इज डिजाइनिंग. तो हम जितने भी क्रिएटिव्स होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया होती है, जितनी भी इंटरनेट की वेबसाइट होती है, वो सब हम अपडेट एंड डिजाइन करते हैं आपके आउटलेट के लिए. फॉर एग्जांपल आपका जो आउटलेट है, हम आपको एक बेसिक खाली बोलेंगे नहीं फोटोग्राफ ले लीजिए आउटलेट बना लीजिए, हम आपको टोटली इंटीरियर डिजाइनर से पूरा आउटलेट बनवा के देंगे.
Another thing, training. Training हम जो first time है, जो आपको setup है, हम physical training देंगे. उसके बाद unlimited time हम आपको online training sessions देंगे. जब whenever your people want some brushing up, all over India हम लोग online sessions देते हैं. Another thing is social media marketing. Now if you see हमारा जो target audience है, that is from the bracket of 15 to 25 to 30. So these people basically are totally targeted by social media. आप वैसे टाइप के लोग टीवी भी कम देखते हैं एंड न्यूज़पेपर भी कम पढ़ते हैं. उनकी जो मेन नॉलेज है ऑफ लाइफ ऑफ फ्रेंड्स एवरीथिंग कम्स फ्रॉम सोशल मीडिया. तो हमारे जो सोशल मीडिया में मेन हमारा फोटे है एंड आप देखेंगे हमारे 45 पेजेस है. आप डॉक्टर बबल डालेंगे फेसबुक पे तो एवरी आउटलेट के लिए हम सेपरेट पेज बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि हमने उनको मेन आउटलेट के साथ में मेन पेज के साथ में लिंक कर दिया है एंड खाली उसी को अपडेट कर रहे हैं. हम हर आउटलेट के लिए अलग पेज बनाते हैं, उसको अपडेट करते हैं सो दैट वी कैन पर्सनली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. जैसे कोई पर्सन है जिनने आज चेक इन किया, हम पर्सनली उसको थैंक कर सकते हैं. इसलिए हम सेपरेट पेजेस बनाते हैं. बैकएंड सपोर्ट, बैकएंड के अंदर मशीनरी सर्विसिंग से लेके स्टॉक इन्वेंटरी से लेके स्टॉक ऑर्डरिंग से लेके एवरी चीज के लिए हमारी एक अलग टीम है जो आफ्टर साइनिंग अप द फ्रेंचाइज वी विल बी हैंडिंग यू ओवर द एसओपीज कि कैसे से कैसे करना है. अनदर थिंग इवेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक है. तो बिकॉज इट इज यूनिक, ये जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में और किसी के पास है नहीं. तो डू इवेंट्स विद दिस इज रियली प्रॉफिटेबल. जो फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग इवेंट हो गया, एग्जीबिशन हो गए, आपके कमर्शियल इवेंट्स है, आपकी शादी हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गए, तो वी विल बी हेल्पिंग यू टू डू दीज इवेंट्स ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल नॉट ओनली डू योर शॉप बट ऑल्सो एक्सपर्टीज की इवेंट्स पे आप कैसे पैसे कमा सकते हैं. आई विल जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. तो यू नो एवरेज सेल्स ऑफ आउटलेट्स इज अबाउट 4 to 5 lakh rupees पर मंथ एंड इवेंट्स में कभी कभी हम 2 दिन के अंदर 3 से 4 lakh rupees एक इवेंट में कमा लेते हैं. तो इवेंट्स में मेहनत तो हो जाती है, 2 दिन उसमें बहुत ही हार्ड मारी होती है, बट इवेंट्स में जो पैसा है वो अगर फॉर एग्जाम्पल वी डू 4 to 5 events a मंथ वी कैन अर्न मोर देन व्हाट वी कैन अर्न फ्रॉम द आउटलेट. सो इट डिपेंड्स आप इवेंट्स में कितना पुश करते हो. देन अगेन वी डू पैन इंडिया मार्केटिंग. पैन इंडिया इज अ वेरी वाइड वर्ड बट विच एवर स्टेट वी हैव प्रेजेंस वी ट्राई टू पुश देयर मोर. Another thing is sharing the innovation. Like how I told you initially how all our products are innovated by us. तो हम ये innovation लेके कैसे आते हैं? We put it all out to our franchisees कि हमने ये product launch करने की सोच रहे हैं. We take an input from them and after consulting everything like cost, machinery, taste, we start rolling out new products. Every 3 to 4 months is we try to roll out some new products. Yeah. Dr. Bubble's USP. मेन तो उनका प्रोडक्ट है. अनदर थिंग इज आवर मशीनरी. लाइक आप देखेंगे जितने भी बड़े ब्रांड्स है दे आर बिग बिकॉज दे हैव कंसोलिडेटेड देयर मशीनरी, कंसोलिडेटेड देयर प्रोसीजर्स. ये सभी चीज को उनने प्रोफेशनल किया हुआ तो ही वो बड़े बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अमेजोन से कुछ खरीद के कैफे चालू करना हो तो कोई भी कर सकता है, बट हमारी जितनी भी मशीनरी है ऑल प्रोफेशनल मेड एंड ऑल मेड विद हाईली प्रोफेशनल इंडियन मेड प्रोडक्ट्स. तो फॉर एग्जाम्पल उनने कोई भी कॉइल किधर से भी आप प्रोक्योर कर सकते हैं. जितने भी फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी में कॉइल होता है, मोटर होता है, ये 2 चीज ही रहती है एंड बिकॉज इट इज इंडियन मेड ऑल मशीन कैन बी मेड इन इमरजेंसी फ्रॉम एनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन. आप इंडिया में किधर भी मशीन को बना सकते हैं. Our presence, we started in 2015, today 2018 we had already reached 50 outlets. And now 2020 के अंदर we had about 51-52 because the last year was not really good in terms of ये COVID के वजह से. Now the biggest question, how to make the ROI faster? ROI faster तो एक है, सबसे पहली और सबसे main चीज है कि जो franchise है, he has to put his 100% into the outlet. For example, you can't just put your money and leave the outlet and expect the outlet to do business on its own. ये hospitality industry है, ये service sector है. तो इसमें जब तक आप service नहीं देंगे customer को, the customer won't feel uplifted and he will never like the product. So it's not only the taste of the product, it is also the full experience of the
concept. So that's why 100% from the franchisee is required to get the ROI faster. Second is marketing. Marketing we are doing on social media, Facebook, Instagram, Twitter तो हमारी and इसको हम जो shop के जो offers है उसके साथ में link करके हम ये double stage marketing हम push करते हैं. तीसरा है events, events, birthday parties, kitty parties, corporate events, marriage functions, you know, offices के अंदर stalls लगाना. This is a really really big money. So if you can get in money from these things, ROI can come in less than 6 months also. Another thing, staff control हमारा बहुत कम है. Like how to get ROI faster में एक तो आपका front end हो गया जो मैंने आपको बताया और एक back end है. Back end में आपका stock control, staff control, guest relation ये चीज की भी हम तो आपको total training देते हैं कि इसमें आपको कोई भी massive loss नहीं हो. Now we'll start with the products. Product में first let's start with the drinks, then we can come up to the eatables. So I'll just move on to the drinks. So like now you see the middle one is the purple taro drink. It's a very classic bubble tea. The taro is a very authentic product and iske upar humne jo hamara main authentic tapioca hai wo dala hua hai. But this is a very taste specific product. Jinne travel kiya out of India wohi ye lete hai. But humne Indianize kya kiya? Indianize jise aap left mein dekhenge to humne mango बबल टी रखी जिसके ऊपर पैशन फ्रूट बबल्स डाले हुए हैं. राइट में हमने ब्लूबेरी बबल टी रखी जिसके ऊपर हम लोग ने रास्पबेरी जेलीज डाली हुई है. वैसे ही राइट साइड पे हमने पैशन फ्रूट मिल्कशेक रखा हुआ है जिसके ऊपर हमने मैंगो बबल्स डाले हुए हैं. तो दैट्स व्हाई वी कीप ऑन वेरिएटिंग दीज ड्रिंक्स. दीज आर सम ऑफ आवर कॉन्सेप्ट्स जो हमारे प्रोडक्ट लाइंस है, जो हमारे ड्रिंक्स की प्रोडक्ट लाइंस है, जो आइस टीज, मिल्कशेक्स, कैपेचिनो, जो पूरी हॉट कैपेचिनो, लातेज, फ्लैट वाइट्स, मोकाचिनो, पूरा हमारे पास कैफे का सेटअप भी है. बबल वॉफल, दिस आई विल कम टू यू ऑन द अदर स्लाइड. आइस कॉफीज, योगर्ट शेक्स, स्क्वायर वॉफल, जो हमारे अमेरिकन वॉफल है, रादर देन एवरीवन डूइंग बेल्जियन वॉफल्स इन द मार्केट, दे डूइंग स्क्वायर अमेरिकन वॉफल्स. अगेन द टेस्ट इज डिफरेंट, कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. खाली वॉफल इज द ओनली थिंग सिमिलर, बट उसका बैटर भी टोटली अलग देता है. Another thing is आप देखेंगे बहुत कैफेज रहते हैं जो चाय नहीं करते एंड बहुत चाय आउटलेट रहते हैं जो कॉफी नहीं करते. तो हमने बोला कि वाई नॉट डू एवरीथिंग. सो वी आर डूइंग मिल्कशेक्स, लस्सीज, आइस टीज, कैपेचिनो जो फुल कॉफी मेन्यू, एंड वी आर डूइंग द फुल हॉट चाय मेन्यू जिसमें अदरक चाय, लेमन ग्रास चाय, थाई टी, हांगकॉन्ग टी एंड फ्लैट टी. वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दैट इन टू द चाय मेन्यू. Like how you see the cappuccinos, we are the only ones in India doing Japanese matcha cappuccino, Hong Kong cappuccino, Taiwanese taro cappuccino, and the mocha hot tea cappuccino. We have a really heavy menu. I will be mailing you all of that. So you can see, har cheez mein hamare 5 se 6 choice nahi hai. We have about 18 to 19 choices in each and every product line we have. So maine aapko 9 to 10 product lines bataye. Har 9 to 10 product lines mein hamare paas मिनिमम 15 टू 20 डिफरेंट चॉइसेस है. वी कैन ऑलवेज कट डाउन द चॉइसेस. देर आर सम सिटीज वी डोंट लाइक सम चॉइसेस, सो वी कैन ऑलवेज कट डाउन दीज चॉइसेस. बट यू सी ऑल दीज चॉइसेस आर रेप्लिकेटेड इन ऑल द प्रोडक्ट्स. सो आप जो रॉ मटेरियल्स है वही रॉ मटेरियल हर चीज के लिए यूज हम करते हैं. तो उसकी वजह से आपका स्टॉक्स बहुत कम हो जाता है. यू डोंट हैव टू हैव वन सिंगल रॉ मटेरियल फॉर वन सिंगल प्रोडक्ट. हमारा एक रॉ मटेरियल जो है हम 6 से 7 उससे अलग अलग चीजें हम बना सकते हैं. Now we come up to the product. So first है ये bubble tea. Now we are the only people in India to brew iced tea with green tea, freshly brewed green tea. India के अंदर आपने देखा रहेगा जो black tea है बहुत ही matured product है, बहुत ही matured लोग ही उसको पीते हैं. Now I don't want to say anything wrong about the people who drink it, but a lot of people don't drink it. Because everyone is habituated with chai and सबको black tea बहुत ही boring लगती है. But अचानक से आपने देखा रहेगा जो green tea का concept है वो बहुत ही youngsters में hit हो गया है. आज college में भी जो लोग जाते हैं जो health conscious रहते हैं वो green tea पीते हैं. तो we thought why not start brewing जो iced teas है with green tea. तो we have fresh iced teas made with green tea. Again, green teas के अंदर आप कितने flavors, आपके 2 से 3 flavor होंगे. हमारे पास 20 फ्लेवर की चॉइसेस है. अगेन दे आर ऑल नेचुरल. अगेन एंड द ग्रीन टी विच वी यूज इट इज नॉट सैशे बेस्ड, इट इज ऑल फ्रेशली ब्रूड. सो इट इज फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, वेरी वेरी हेल्दी एंड इट इज अ रिफ्रेशमेंट. अगेन देन वी टॉप इट विद द टॉपिंग लाइक बबल, जेली, टैपियोका, चॉकलेट चिप्स,
वैसे हम टॉपिंग बना के उसको हीट सील करके हम कस्टमर को देते हैं। जो सिटीज के अंदर जो स्टेट्स में प्लास्टिक बैन है, हमारे पास पेट बॉटल्स है। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट रश थ्रू फोटो जिसके अंदर, या सो वी हैव दीज पेट बॉटल्स विच वी सर्व इन सिटीज वे प्लास्टिक बैन है। तो दीज आर मेड फ्रॉम पेट। पेट इज एब्सोल्युटली लीगल बिकॉज इट इज अ रिसाइकलेबल आइटम एंड इसको हम कस्टमर से बाई बैक भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर डजंट वांट टू रिसाइकल, वी कैन ऑल्सो रिसाइकल इट फॉर द कस्टमर। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बबल कॉफी। अगेन कॉफी, वाटर बेस्ड कॉफी। आप ब्लैक कॉफी पीना बहुत, जितना ब्लैक टी पीना यू नो कम नीच मार्केट है, उससे ही बड़ा नीच मार्केट है ब्लैक कॉफी पीना। ब्लैक कॉफी इतनी स्ट्रांग होती है कि उसमें कोई भी फ्लेवर, कितनी भी आप शक्कर डाल दीजिए, कभी भी कोई चीज किया जाएगा नहीं। सो वी अगेन वी वर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया अगेन टू स्टार्ट ब्रूइंग कॉफी विद ग्रीन फ्रेशली फ्रेश कॉफी, ग्रीन कॉफी बीन्स। तो जो कॉफी नॉर्मली रहती है वो ग्रीन कॉफी बीन्स को रोस्ट करके फिर उसका पाउडर बना के यूज की जाती है। तो वी स्टार्टेड टेकिंग दिस फ्रेश मॉइस्ट ग्रीन कलर कॉफी बीन, उसको हम फ्रीज ड्राई करते हैं एंड उसका पाउडर बना के उसको ब्रू करते हैं। अगेन दिस रॉ मटेरियल टोटली बिलोंग्स टू अस। ये जो आप फ्रेश ग्रीन कॉफी पाउडर मार्केट में किधर भी अवेलेबल नहीं है, वी टोटली मेक दैट प्रोडक्ट। इसीलिए ये प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू अस है इन द मार्केट। नाउ इसमें फायदे क्या है ग्रीन कॉफी के? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज 0% बिटर, तो इट इज अ कॉफी विच टेस्ट लाइक कॉफी, पूरा टेस्ट है कॉफी का, बट बिटरनेस इसमें जीरो है एंड कैफीन इसमें जीरो है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये रिफ्रेशमेंट जैसी जो ड्रिंक है आप अपने बच्चे को भी पिला सकते हो। आप कभी भी सोचेंगे नहीं कि आप वाटर बेस्ड कॉफी जो है, जो फ्रेशली ब्रूड कॉफी है, आप अपने बच्चे को पिलाएंगे। बट वी मेड इट इन दैट सेंस दैट दिस कॉफी इज गुड फॉर ऑल एजेस एंड हमारा जो टारगेट ऑडियंस है जो टीन्स एंड यंग स्टूडेंट्स का, इट रियली रियली हेल्प्स ओवर। अगेन देन वी एड एवरीथिंग ऑन इट लाइक बबल्स एंड जेलीज एंड मेक इट योर पर्सनल ड्रिंक एंड सर्व इट टू यू। नेक्स्ट इज द शेक्स। अगेन वी सर्व रिच एंड थिक एंड क्रीमी शेक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, वेरी वेरी सिमिलर टू दैट, बट वी ऑल्सो गिव इट इन अ लो कैलोरी, एलर्जी फ्री, लैक्टोज फ्री एंड नॉन डेयरी वेरियंट ऑल्सो। So, for example, if a person wants a very healthy but rich and creamy shake, we will give them an alternative for that. But it will be exactly like the regular shake. कोई भी इसमें बोल नहीं सकेगा कि ये, for example, आपका normal shake 200 calories का है, तो ये shake is just 50 calories. Again, we have about 20 flavors in this also. Again, we can top it with your different types of toppings like jellies and bubbles and everything, and we can give it here. Lassis. Now, this is a product which is avoided by all high-end cafes in India. I don't know why, because lassi aap dekhenge to aap South India bolo, ke aap East India bolo, ke aap West India bolo, aap North India bolo, sab jagah ka staple is lassi. And humne dekha ki ye product jo hai, kisi ne bhi abhi tak bada nahi kiya. So we took that concept. Aap lassi pehenge, aapko kya flavor mein milega? Aapko match to match mango kesar flavor ki mil jayegi, aur koi usme flavors ki options hi nahi rehte. So we took lassis and we made it a very, very modern product by providing, making it with a probiotic base. So it is a very healthy lassi, khali heavy on your stomach nahi, but it is very healthy also. And it is very high in protein. So jo humara base rehta hai, which is probiotic, it is very heavy in protein also. Again, we top it with jellies and bubbles and we serve it. And jo lassis hai, we serve in about 20 different flavors. Yeah. Now coming up to our eatables, आप देखेंगे our waffles are completely different looking than whatever is available in the market. Like how we named it bubble waffle. Why have we named it a bubble waffle? Because आप देखेंगे इसके outer edges पे you see the round cube which look like bubble. आप normally waffle खाएंगे, it is either crispy or it is either soft. इसमें दोनों आपको मजा आ जाता है. जो पतला part है, it is really crispy. It tastes exactly like an ice cream cone. But जो round bubbles है, वो soft and like sponge होते हैं। So it is a very very different combo जिसमें crispy भी आ रहा है, soft and gooey भी आ रहा है। उसके अंदर फिर हम ice cream डाल देते हैं। We put a lot of different toppings which makes it a very freak sundae। जो हमारा सबसे photographed product है, वो ये bubble waffle है। आप जब ये photo में बहुत छोटा दिख रहा है, पर reality में बहुत बड़ा रहता है। कभी-कभी तो चार लोग से भी खत्म नहीं होता है। So whenever it comes in front of the customer, it is so
मैकडॉनल्ड्स के इसकी फोटो जो गारंटी सोशल मीडिया पे आ ही जाती, हम जिस जो भी कस्टमर को शेयर करते हैं वो जैसे हाथ में लेते हैं उसके साथ में एक फोटो लेके सोशल मीडिया पे डालते ही है। एंड वी ऑलवेज बिलीव के आज की तारीख में टू हैव अ प्रोडक्ट विच इज सोशल मीडिया वर्थी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट टेस्ट हो जाए बट अगर अगर लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे और लोग उसके बारे में पब्लिसाइज नहीं कर रहे, यू वॉन्ट बी एबल टू गो फार। So that's why we have these very, very different looking products like bubble tea, bubble waffles, now actually American waffles. Everyone's heard Belgian waffles. Belgian waffles hote kya hai, these triangle waffles jo ek ke upar ek rehte hain. And everyone's just doing Belgian waffles. Aap ye sochiye jab bhi Belgian waffle ka craze khatam hoega to jitne bhi log Belgian waffles kar rahe to ek saath sab khatam ho jayenge. So we As we know about different recipes of waffles, we told why not try the American waffles, which is single base ke rehte, but they're really, really thick. Upar se crispy rehte, and inside they have this brownie texture. So it is a combination of a brownie, a cake, and a biscuit which is crispy. And uske upar wohi hum regular topping, jaise Belgian chocolate ho gaya, Nutella ho gaya, strawberry and cheese ho gaya. For example, blueberry cheesecake ho gaya. So we have another 10 to 15 choices which we have to go over our waffles. Again, all these waffles aap dekhenge hai, so they are all cut, pre-cut in square size pieces. So they're very less messy. Aap koi bhi waffle khayenge, aapka face pura chocolate se bhara hoega, haath pura chocolate se bhara hoega. This is because it is pre-cut, it is very, very easy to eat. So it is very, jo messiness hota hai, totally khatam ho jata hai usme. Now this is one of our newest product which is waffle nachos. Nachos का मतलब क्या है? These corn triangle chips जो आप cheese में, आप कभी PVR गए होंगे तो उधर nachos के साथ cheese sauce और salsa sauce, ये दो चीज में आप dip करके खाते हो, and वही है basically nachos का concept. So we just took that idea and हमने सोचा कि let's take an ice cream and take a dessert and combine it into the concept of nachos. So we make these sweet nacho chips inside the outlet only. So we have the machine which will supply to all the franchisees which make the chips inside the outlet, red velvet chips, chocolate chips, regular plain batter chips which are sweet. Uske upar then we put it across the plate, we put a scoop of ice cream and we decorate it with all the different types of toppings. So it's basically a exploded ice cream which can be shared between 10 people. For example, आपने यही price की एक ice cream ली होती, like I'll tell you the cost of this would be about 110, 120 rupees. For example, आपने 120 की एक scoop of ice cream एक cone में ली थी. आप सोचिए कि आप वो कितने लोगों के साथ share कर सकते हो. But with this, you pick up your chip, you have a scoop of ice cream, and the whole plate is still untouched by anyone's hand or anyone's lips. It can still be shared by anyone else. So you easily 10 people can share one single waffle nacho. So it becomes a very social kind of a thing. कि हर आदमी इसमें dip करके खा रहा है. कभी-कभी तो तीन-तीन different types की flavors will come on one single table. Our pancakes. Now why we named bubble pancakes? Because normally pancakes are really big. Pancake roti के size के होते हैं. They're really fat, very very आटे के, very very dry, very mushy tasting. Again, it's a very niche market. जिनको pancakes पसंद है, वो machines पसंद है और आटा, they really like the pancakes. But what we thought, let's make it really small. इसमें pancake तो topping का जो proportion है, normally बड़े pancakes में आटा 80% रहता है and 20% topping रहता है. हमने क्या कर दिया, 60-40, जिसमें 60% आपका खाली pancake रहेगा, बाकी 40% topping रहेगा. तो उसमें you get really good flavors, it becomes really moist and it becomes more tasty. In sense, and again, it is bite-sized pieces. आप एक fork के साथ में easily एक-एक pancake आप खा सकते हैं. Again, if you see, आप एक बड़ा pancake लो, only one person can eat it. But with this separate 9 pieces, you can share it with 9 different people. So that's why we really feel pancakes normally is a very regular thing. But because we made it small, how we made it small? We have our own machine which we make. हमारी जो machine की जो dies है, are belonging to us. तो जो हमारा shapes है, you won't be able to get into the market. From the market, sorry. Again, the hot chai and the hot coffee menu, very regular, but it is so staple nowadays कि आज ठंड हो या बारिश हो, लोगों को एक चाय या एक कॉफी तो चाहिए, चाहिए ही चाहिए. तो for example, when we have a ठंडी का menu, ठंडी का season, ठंडी का मौसम, तभी आपको कुछ hot item की जरूरत रहेगी. तो आपके waffles और आप चाय pair कर सकते हो, rather than pairing a cold item with a hot item as such. Now this is another new product which we
we've launched is potato waffles. So we make our batter with mashed potatoes. ये भी बहुत डिफिकल्ट है टू मेक बिकॉज जस्ट मेकिंग इट विद जस्ट ओनली मैच पोटैटो इज नॉट पॉसिबल ओनली टू वी कम अप विद आवर ओन सीक्रेट रेसिपी व्हिच वी मेक द बैटर विद पोटैटोस इट इज अ सॉल्टी एंड सेवरी बैट वॉफल नॉर्मली आप वॉफल सोचेंगे तो ये खाली एक डेजर्ट चीज ही आपको हिट होगी बट वी मेड अ सॉल्टी चीजी सावर काइंड ऑफ सेवरी आइटम फ्रॉम वॉफल्स सो दिस इज एक्चुअली बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच फ्राइज a waffle and a pizza all together but again it bite size pieces so you can easily have one pieces so a lot of people asked us ke you don't have anything savory in your outlet so we have burgers we have sandwiches and we have these potato waffles also and we've recently started pizzas also okay all our pizzas come frozen ye pizza ka jo frozen concept hai again ye market mein available nahi hai it is coming through our हमारे थ्रू ही आता है जो आपके फ्रीजर में रखा रहता है जो 6 months की शेल्फ लाइफ के साथ में रहता है आपको खाली वो फ्रोजन पिज्जा ओवन में डालना है जो ओवन भी हम सप्लाई करते हैं वो रेगुलर ओवन में यू डोंट हैव टू बाय अ हाई एंड ओवन जो हम बेसिक आपको 3 to 4,000 rupees का ओवन देते हैं उसी में आपको पिज्जा रखना है फॉर 3 minutes एंड यू कैन सर्व इट आउट एंड टेस्ट बेटर देन यू नो एनी थिन क्रस्ट पिज्जा यू हैड आउटसाइड इट इज फ्रेशली मेड फ्रॉम आवर साइड एंड फ्रोजन एंड सर्व टू आवर फ्रेंचाइजी So it becomes very easy to make. Again, you don't because it is very easy to make. You do not require any chefs or any skilled people to make this concept. Here. Again, another thing, ice cream burgers, very very simple item. I don't know why in India, अभी तक किसने किया नहीं. Everyone has बचपन में आज भी टूटी फ्रूटी बंस ये मिलते ही है हर बेकरी में. हम यही बंस लेते हैं उसको you know we toss it in the griller. उसके बाद में वी टॉस ऑल द सॉसेस वी पुट अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम वी क्लोज इट टू इट बिकम्स अगेन अ स्वीट एंड सेवरी काइंड ऑफ अ आइटम इट्स अ वेरी वेरी यूनिक प्रोपोजिशन बट इट गिव्स यू द यू नो इंपैक्ट ऑफ योर चाइल्डहुड जिसमें आप ये टूटी फूटी बन आपके हॉट चॉकलेट में डिप करके खाते थे आपको वो फीलिंग इसमें से मिलती है तो लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स रियली लाइक टू ईट दिस आइसक्रीम बर्गर कॉन्सेप्ट Now coming up to the toppings. Now everyone says कि bubble tea की जो आप toppings बात कर रहे हो उसमें क्या नवी बात है और क्या उसमें इतनी बड़ी बात है कि आप उस पर पूरा ब्रांड खड़ा कर दिया है. Another thing, this concept of bubbles, everyone thinks it's soda bubbles or flavor bubbles. This is actually a tapioca seed. जो international, जो India के अंदर साबूदाना बोला जाता है वो internationally tapioca बोला जाता है but and it comes in black in color. So when internationally लोगों को ज्यादा टाइम नहीं रहता टू हैव डिनर और लंच यू नो दे वेरी हैवी इन वॉकिंग सो दैट टाइम दे पिक अप अ बबल टी बिकॉज इट इज हाई इन प्रोटीन एंड इट इज हाई इन कार्ब्स बिकॉज ऑफ द टैपियोका सो इट बिकम द कंप्लीट मील इन इटसेल्फ बट हमने फिर उसको एनहांस कैसे किया आगे वो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बता रहे तो बेसिकली दिस टैपियोका जो बबल्स है दे आर वेरी वेरी ब्लैंड दे आर वेरी च्यूई Again, there are a lot of people who love it. So, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, but I'm just telling you this, you know, the kind of taste it has. So, normally, a lot of people in India have a very, very heavy sweet tooth. So, उनके लिए वही हम bubbles के shape के आपने देखे होंगे. तो dark chocolate chips है, multicolored chocolate chips है, and white milk chocolate chips है, which again go into the drink. ये आप जब भी straw, you know, sip करेंगे, आप देखेंगे हमारे straws भी 12 mm के straws है. Market में the biggest size of straw you get is 10 mm. So because we have the 12 mm straws, आप कोई भी टॉपिंग अंदर डालेंगे तो you get it like a full piece inside your mouth. So you can chew it or you can it'll burst in your mouth or whatever it is. Yeah. The fruit jellies again like how I told you they are made from coconut. They're not made from gelatin, so they're completely vegetarian and completely vegan. Again, they will taste exactly like the fruit you asked for. Like for example, आप देखेंगे yellow वाली mango है, white वाली लीची है, red वाली strawberry है. So you can mix आपने देखा होगा 4-5 डिफरेंट टाइप की जेलीज एंड पुट इट इन योर ड्रिंक एंड व्हेनेवर यू गेट द टेस्ट ऑफ दैट जेली इन योर माउथ इट विल बी एग्जैक्टली लाइक दैट टेस्ट यू आस्क्ड फॉर तो फॉर एग्जांपल अचानक से आपको मैंगो का फ्लेवर आएगा आपको लीची का फ्लेवर आएगा एंड आपको ड्रिंक का फ्लेवर भी आएगा इट वॉन्ट बी ऑल मिक्स टूगेदर नाउ दिस इज आवर मेन सेलिंग आइटम इसके वजह से हमारा प्रोडक्ट भी बिकता है इसके वजह से हमारा ब्रांड माना जाता है इसके वजह से हमारा कॉन्सेप्ट फेमस हुआ है आर दीज पॉपिंग बबल्स नाउ पीपल आस्क व्हाट आर दीज पॉपिंग बबल्स दे आर जस्ट सिरप फिल्ड बबल्स जो सिरप के बबल्स बन के एक मशीन से पास होते हैं वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ मशीनरी
जिससे उसका आउटर लेयर जम जाता है, तो इट्स अ वेरी वेरी डेलिकेट सिरप बबल। इसको हम आपके ड्रिंक में डालते हैं, जैसे आपके माउथ में आता है ये बर्स्ट होता है विथ द सिरप। तो दिस काइंड ऑफ बर्स्टिंग इन योर माउथ इज वेरी वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर दिस कस्टमर। अगेन वी हैव वेरी वेरी डिफरेंट फ्लेवर, वी हैव अबाउट 20 to 24 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन इन दिस। कीवी से लेके कॉफी से लेके चॉकलेट बबल्स, वी हैव एवरी एवरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बबल्स जो एनी हम कोई भी चीज में सर्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑन आवर डेजर्ट्स, इंक्लूडिंग आवर ड्रिंक्स, ये हम कोई भी चीज के ऊपर डाल के दे सकते हैं। Now we'll come to some picks, like how initially we went over all our concept ke what is Dr. Bubbles, then we went through all of our products. Now we'll just go through our some of the shop ke photographs. If you see, we very simple shop but very very colorful. Like you see, in our mainly connecting with audience is through social media. So aap dekhenge most of the shops we have a photo op area jidhar aap baith ke एक फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ आवर आउटलेट्स विल हैव दिस। एवरीवन सेज कि दिस इज वेस्ट ऑफ स्पेस, बट आप ये सोचिए कि जितने लोग इसका एडवर्टाइज करेंगे उतने ही ऑटोमेटिकली आपके पास लोग आएंगे एंड यू वोंट हैव टू मार्केट दैट मच। सो दैट्स व्हाई ऑल आवर शॉप्स हैव अ फोटो ऑफ एरिया इन विच देयर विल बी बबल्स और सम यू नो पिंक कलर बबल्स बाइक और यू नो समथिंग इन विच यू कैन टेक योर ड्रिंक एंड शो इट एंड यू नो अपलोड इट ऑन सोशल मीडिया। Like now, these are some outlets we have in malls. These are some outlets we have in Bombay, and most of our reviews are all positive. Another thing, now I'll take you through the financials. Okay, what would it take to start an outlet? Now the main thing is the aspect of money. Yeah. So just come up to the. So, if you go to on the left screen, so area required is about 150 to 250 square feet. Total investment, which is leaving aside the location, leaving aside the price involved into taking up the location, is about 15 to 16 lakh rupees. Now, people ask me what is included in 15, 16 lakh rupees. Now, I really feel the 15, 16 lakhs is also very, very reasonable. You see any brand which is a small QSR brand, aap koi bhi brand dekhenge, they all start with an investment of about 30 lakh rupees. Any good established brand with a unique product, don't get me wrong, with a unique product. There are brands which are cheaper than me also, but I'm talking about with a good brand and just about a unique product. So to get down to 15, 16 lakh rupees, pe hum kya kya include karte hain aur humne kaise leke aaya hai? तो 15 टू 16 लाख में आपका पहले तो 5 लाख रुपीज इज योर फ्रेंचाइज फीस। दिस फ्रेंचाइज फीस कवर्स योर फुल अग्रीमेंट फॉर 5 इयर्स विद अस। तो फॉर 5 इयर्स यू विल बी द फ्रेंचाइज ऑफ डॉक्टर बबल्स फॉर योर टारगेटेड और डेडिकेटेड एरिया एज सच, जो भी अग्रीमेंट में हम लिखेंगे। उसके बाद योर इक्विपमेंट कॉस्ट वी कैच, तो इक्विपमेंट इज अबाउट 2 टू 3 लाख रुपीज। Now I'll give you an example. When we initially wanted to start Dr. Bubbles, jo concept humne first 3 store se chalu kiya tha, we had to import all our machinery. So any brand who wants to start their own bubble tea venture will have to import all the machinery from outside, because bubble tea ka koi bhi equipment India mein milta nahi hai. We make all our equipment. So hum jab hi internationally leke aaye the, our setup for one outlet was 16 lakh rupees only for the machinery. So that is how we help our franchisee to just set that whole machinery cost in just 2.5 lakh rupees. All our machinery right now is Indian made. It's very easy to maintain, and because of that, आपका cost बहुत कम हो जाता है. Another thing we include is 2 to 3 lakh rupees worth of opening stock. Now आप देखेंगे कितने भी franchise आपने दूसरे consider किए, कभी भी opening stock consider नहीं करते. Because opening cost is considered a rolling cost, it is not considered a fixed initial cost. But we always feel आपको तो जितना पैसा है उतना ही डालना है, आप rolling cost पकड़िए के investment cost पकड़िए, end of the day आपको पैसा डालना ही है. So we told why not to catch the rolling cost also into the investment. So we cost 2 to 3 lakh rupees worth of opening stock. This should be enough for 1 month sale, but we have outlets which have finished that stock in 15 days also. जो आप ज्यादा धंधा करेंगे तो आपके लिए बेटर ही है। देन तीसरा इज वीव इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ द इंटीरियर्स ऑफ द प्लेस। तो इंटीरियर्स भी से अबाउट 4 to 5 लाख रुपीस आपका इंटीरियर्स में खर्चा हो जाता है,
that includes your ACs, your electronics, your electricals, your carpentry work, your signage work, your furniture, everything. Everything included. Now another thing, ये आपको बनाना है, but we will give you A to Z total design designed by a very very prominent restaurant designer, जो हमारे लिए in-house काम करता है and हमारे brand के जितने भी outlets है सबको detailed drawings के साथ में serve करता है. तो you won't be left in total doubt कि हमारे को क्या करना है. Now payback period. Now this payback period we have calculated according to our worst outlet. जो नॉर्मली से महीने का 2 से 3 लाख रुपए का बिजनेस करता है, तो 2 से 3 लाख के बिजनेस में इजीली आपको 1 लाख रुपया तो आप मिनिमम कमा ही लेंगे. तो अगेन ऑल ऑफ दीज वर्ड्स व्हिच आई एम सेइंग एंड ऑल ऑफ दीज फिगर्स आई एम गेसिंग, ये हर चीज का हमने फाइनेंशियल मॉडल दिया हुआ है और विच आई विल बी सेंडिंग इट टू यू व्हेन यू पुट डाउन योर ईमेल आईडी. तो एवरीथिंग का इंक्लूडिंग मशीनरी से लेके आप अपना पैसा कैसे कमाएंगे, हर चीज का डिटेल बाइफिकेशन थ्रू ईच एंड एवरी सेल के हिसाब से 5 इयर्स के प्रोजेक्शन के साथ में हम आपको फाइनेंशियल मॉडल बना के भेजेंगे. अगेन द अग्रीमेंट टर्म्स विल बी फॉर 5 इयर्स. तो दैट्स द बेसिक. नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है ये प्रोडक्ट के अंदर. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. यू नो नॉर्मली दैट इज द मेन थिंग इन एनी बिजनेस, कि आपने एक्स में लिया है और आप वाई में बेच रहे हो, तो वो डिफरेंस क्या है जो आपको मिलता है. That's the core of every business. Now hospitality industry or restaurant industry mein anything above 50% margin is a very good margin. Now I'm talking about only product cost, I'm not talking about fixed cost or anything. So anything above 50% is a very very good deal, jiske andar, you know, it's a very workable concept. We manufacture all of our raw materials, we manufacture all our machinery, everything we have is in house. 75-80% margin you get over each and every product you sell. Now why? Because all our raw materials, if you see market mein available, we make all our straws, we make all our products, glasses, we make everything we make. To usse aap, we are directly giving from manufacturer to retail. Isme koi bhi middleman nahi hai jiska profit margin aur badhte jata hai isme. So the margin of profit doing this business is very high. इसमें फायदा क्या है? It's not only about your earning bit. It's about, for example, आपको 2-3 महीने खराब लग गए. Like for example, ये COVID का time है. इसमें अभी last 4-5 महीने से बहुत outlets, lot of outlets are suffering. But because the margins are good, they can still do break even. Because आज landlord से भी we are getting concessions, then home delivery, हमारा product बहुत ही takeaway concept है. We never emphasized on a cafe setup जिधर लोग आएंगे experience करके जाएंगे. We always emphasized on, आप देखेंगे हमारे जितने भी products हैं takeaway style में ही रहते हैं. We never serve in a glass or a ceramic glass or anything like that. It's always takeaway kind of an outlet. So we are still doing a very similar business. अगर for example कोई area में you know सब shops ही बंद हो गई है, तो that's the only time we shut. But we are, wherever we are on, we are still doing home delivery, we are still doing takeaway. The only thing we are not doing is dining. So our business is not affected more than 30-40%. And we feel jab ye COVID ka time khatam hoega, tabhi people are going to come out more and people are going to spend more. Right now, if you want to invest into a hospitality business, I feel it should be a business which is emphasizes more on takeaway and home delivery only. So that is what we've done, because हमारे concepts, हमारे interiors, हमारे shop sizes छोटी है, तो our overheads are very low. आप देखें कोई भी outlet जो आज के दिन में 4-5 लाख रुपया rent देता था, तो all finished, सबके bankrupt हो गए, किसी के पास अभी कुछ आसार ही नहीं कि अभी आगे और काम करेंगे भी, maybe और 2 महीने रुकने की भी ताकत नहीं. But most of our franchisees, they are still stable. There are some which are suffering. बट इट इज बिकॉज उनकी एरिया में जो कोविड है बहुत ज्यादा फैल गया है, उसकी वजह से उनको परमिशन ही नहीं मिल रही जगह चालू करने की. बट जैसे परमिशन मिलती है, हमारे आउटलेट चालू हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग बिजनेस अगेन. नाउ अगेन दिस सिनेरियो इज गोइंग टू बी देयर फॉर अनदर, आई फील अनदर 3-4 मंथ्स. बट आई रियली फील कि जब ये खुलेगा, जितने लोग 1 साल से अंदर घर में बैठे, उससे डबल ट्रिपल दे आर गोइंग टू कम आउट, बिकॉज एवरी वन इज फ्रस्ट्रेटेड ऑफ सिटिंग होम. एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, आप यही सोचिए कि आपको घर पे बिठा के रखा है तो आप नहीं जा रहे हो, बट आपको जो चांस जब भी मिलेगा, यू विल गो आउट एंड यू विल गो बैक टू योर रेस्टोरेंट्स एंड योर प्लेसेस एंड योर ईटेबल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी जो स्पेशल खाओ गली में जाते थे, आप वापस उधर जाएंगे ही जाएंगे.
to bet on restaurant industry, I feel it's still a very, very, very safe option. It's just a matter of 2 to 3 months. Another thing people say ki abhi shop dalni chahiye, ki 3 mahine baad dalni chahiye. Now I'll tell you about rentals. So for example, there are shops where we had taken initially on rent in Bombay for 1 lakh rupees. Us meri aaj baju wali shop is available at 40,000 rupees. So rental deals today are amazing. So people say ki aaj ki tarikh mein lena chahiye ki nahi lena chahiye. Aap wo sochiye, aap 3 mahine ke liye dhanda nahi karne wale ho, aap 5 saal ke liye dhanda karne wale ho. To aap jo 3 mahine ke liye loss karenge, wo aap 5 saal 48 months तक आप कवर करने वाले हो. तो आई रियली फील राइट नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन टू प्रॉपर्टीज, इन्वेस्ट इन टू रेस्टोरेंट, इन्वेस्ट इन टू हॉस्पिटैलिटी, बिकॉज ऐसा टाइम बाय करने के लिए वापस कभी आएगा नहीं. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट माय टाइम, बट आई एम टॉकिंग इन जनरली. पीपल आर स्केयर्ड राइट नाउ टू पुट मनी, दैट इज वाई नो वन एल्स इज पुटिंग मनी. दैट्स वाई प्रॉपर्टी प्राइसेस इन टर्म्स ऑफ रेंटल, इन टर्म्स ऑफ लीज, इन टर्म्स ऑफ आउटराइट बाय एवरी वे में इट इज लेसर. एंड अगेन In franchise fees, our franchise fee is about 5 lakh rupees. Today, if someone comes up to us also and says, ki, we would want a discount or something in sense, we also understand the situation. In today's market only, we can show you all our figures of all franchisees. We've never given 1 rupee discount on any franchise fee. But in today's market, if someone wants to take a franchise, we would also consider in that case also. So if I feel I have answered your question. कि आज लेने चाहिए outlet कि नहीं लेना चाहिए. This is the best time to take an outlet because you're going to get as amazing deals in every sense. Location, franchise, even stocks, even machinery, everything you will get a good deal as such. So yeah, I will take questions now. I hope I have answered most of your questions. Another thing I would request is, please, everyone who's interested, please leave your email ID on the chat box. I will send you all the details, and after that, if you like the details, we can connect directly. I will put my number. I will even tell my personal number right now in this interview. And you can always call me directly up front, ask me any questions, and I will answer them gladly. Okay, so Ashokji, if you want, we can start the question and answer thing. Yes, thank you. Thank you, Mr. Adnan, for this presentation to our participants. डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है डॉक्टर बबल कैफे. डॉक्टर बबल कैफे इंडिया का एक वेल नोन एंड ग्रोइंग ब्रांड है, जो पैन इंडिया अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज दे रहे हैं. इस ब्रांड का जो यूएसपी है वो है इसका मेन्यू और इसके मेन्यू की प्राइस. ये ब्रांड का यूएसपी है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप इस ब्रांड की फ्रेंचाइज लेके फर्स्ट डे से पैसा अर्न कर सकते हैं. सो डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पर क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर अदनान जी से बात कर सकते हैं और बिजनेस मॉडल को दोबारा समझ सकते हैं. आपका कोई भी क्वेश्चन हो इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेंचाइजी फीस, आरओआई, ब्रेक ओवन पॉइंट, कहाँ पे फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रांड की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा, हर तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको मिस्टर अदनान देंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर. Yes, dear participants, you can raise hand in chat box and you can ask your question. I guess so. Even if you're don't want to come up and ask some questions, I'm still okay with that. We're still here for another 2 to 5 minutes, and after that, if you see on screen, for franchise inquiry, my personal number is written over there. You can always WhatsApp me, message me, call me directly. आप कुछ भी मुझको कर सकते हैं, and I will be glad to answer your question. मेरा email ID भी नीचे है, so if you have any questions, you want to just email it to me, you have some other doubts, again we can answer it to you through email also. Thank you, sir. Sir, we have first question, Mr. Alok है sir. Okay. दिल्ली से वो जानना चाहते हैं कि अगर वो डॉक्टर बबल की फ्रेंचाइज दिल्ली में स्टार्ट करना चाहें तो उसके लिए स्टाफ का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, आप करेंगे ये या फिर फ्रेंचाइजी को स्टाफ अपॉइंट करना होगा? ओके, नमस्कार आलोक जी. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने इनिशियली बात की थी कि इट इज वेरी इजी टू स्टाफ, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी रेसिपीज है, वो सब 3 to 4 स्टेप रेसिपीज है जो मशीन्स के थ्रू करनी है.
तो इसमें कोई भी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है. तो फॉर यू टू हायर ऑल्सो इट इज वेरी इजी, फॉर अस टू हायर ऑल्सो इट इज वेरी इजी. वी हैव टू हायर फ्रेशर्स. हमको कोई स्किल्ड पर्सन नहीं चाहिए, कोई यू नो पर्सन ऐसा नहीं चाहिए जो कोई कैफे में काम किया है या किधर काम किया है. बिकॉज उन सभी लोगों के दिमाग में उनकी खुद की रेसिपीज रहती है. तो एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमने इतना ईजी और इतना क्या बोलते हैं इंट्यूटिव कर दिया है टू डू के टू हायर फ्रेशर्स इज मोर मोर ऑप्टिमल. तो फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऑफिस के प्यून को पूरा का पूरा ट्रेन हम उनको कर सकते हैं ये पूरा मेन्यू करने के लिए. तो हम भी आपके लिए स्टाफ अरेंज कर सकते हैं, बट वी वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट टू यू नो फॉर यू टू गेट स्टाफ, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी है, आपका आउटलेट है, ब्रांड हमारा है, बट वी ऑलवेज वॉन्ट, बिकॉज आपका पैसा लगा हुआ है, आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए. बिकॉज बहुत लोग फिर वो सोचने लग जाते हैं कि यार पैसा मैंने लगाया, नाम भी इनका, कंट्रोल भी इनका, मेरा फायदा क्या हुआ पैसा लगा के. तो वी कैन सप्लाई यू पीपल, दैट इज वी कैन डू इट ऑल ओवर इंडिया बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स. बट एनी पीपल यू हायर वी कैन ट्रेन एनी ऑफ देम. अ पर्सन हू नेवर स्टडीड इन देयर लाइफ ऑल्सो वी कैन ट्रेन दैट पर्सन ऑल्सो. मतलब जिनने कोई एडुकेशन नहीं किया हम उनको भी पूरा ट्रेन कर सकते हैं. ओनली थिंग दे शुड बी अ लिटिल स्मार्ट, सम अ लिटिल यू नो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उनको एंड थोड़ी चाह होनी चाहिए काम करने के लिए. अगर ये रहेगा तो हम उनको इजिली पूरा पूरा ट्रेन कर सकते हैं. तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. या थैंक यू मिस्टर अदनान. वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर तुषार. ओके मिस्टर तुषार प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए. ओके हेलो यार, ये तुषार दिस साइड, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद. या तुषार बोलिए. एक्चुअली यार आई जस्ट वांट टू आस्क यू, एक्चुअली कोई आपका टेक अवे मॉडल भी है, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लिटिल बिट हाई. आई आई गेस टेक अवे मॉडल ही है सर. आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे मैंने क्या क्या कॉस्ट पकड़ा हुआ है. तो 15-16 लाख पकड़ा है, उसमें 5 लाख फ्रेंचाइज फीस है, बाकी 2-3 लाख रुपए जो मैंने पकड़ा है वो आपका जो स्टॉक्स है वही पकड़ा हुआ है, जो नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट में पकड़ते नहीं है. दैट इज एक्चुअली अ रोलिंग कॉस्ट. जो रोलिंग कॉस्ट को मैंने इन्वेस्टमेंट में पकड़ा हुआ है, तो अगर आप वो रोलिंग कॉस्ट निकाल देते हैं तो ये 12-13 लाख पे आ जाता है. तो मैंने आपका स्टॉक भी उसमें पकड़ा हुआ है. जो आपने ये 15-16 डाल दिया, इसके आगे आप यू नो यू डोंट रिक्वायर टू पुट मोर मनी इन इट. 15 lakh is high for I think. अगर आपका takeaway है sir, now I'll talk about takeaway. तो इसमें we've got 4-5 lakh rupees worth of interior cost also. तो for example, आप एक takeaway model set करते हो जिसमें खाली purely takeaway, कोई AC नहीं, कुछ भी नहीं, तो automatically sir आप उधर भी save करेंगे. तो for example, 4-5 lakhs interior का cost है, वो आपका हो जाएगा 1-2 lakh रुपया हो जाएगा, अगर आप kiosk model या कुछ setup कर रहे हो. बट मशीनरी आपको लगनी है, स्टॉक्स तो आपको लगने हैं, तो वो सब तो. एंड सर मेरे साइड से मुझे तो पूरा ही काम करना है. फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे कि आप फ्रेंचाइज फी थोड़ा कम कीजिए, तो इन सेंस मेरा काम तो सर थोड़ा भी कम नहीं होता, बिकॉज वी हैव टू पुश दैट मच ओनली. आपके लिए आप टेक अवे हो, बट मेरे लिए तो एक पूरा आउटलेट ही है वो. तो वी हैव गुड पुशिंग इन मार्केटिंग, ट्रेनिंग भी हमारी वही होगी, एंड प्रेजेंस जितना भी एडजस्टमेंट होना है, सप्लाई सेटअप करना है, एवरीथिंग द सेम वर्क इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व द सेम. खाली इसमें आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो थोड़े कम हो जाएंगे. ओके यस सर. तो 15-16 कैन कम डाउन टू अबाउट 10-12 lakh रुपीस इफ यू आर लुकिंग एट अ टेक अवे मॉडल सर. ओके ओके यस ओके सर. एनी मोर क्लेरिफिकेशन सर यू वांट स्पेसिफिकली डिजाइन प्लान फॉर यू, वी कैन ऑल्सो डू दैट. जस्ट गिव मी अ कॉल आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. इफ स्पेसिफिकली फॉर यू वी कैन यू नो कम अप विद अ कस्टमाइज प्लान जिसमें आपके लिए कुछ यू नो इफ इट हेल्प्स यू एनी. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर क्लिक कर सकते हैं मिस्टर अदनान से बात कर सकते हैं और आप इस बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं. और आप चाहें तो इस वेबिनार के बाद में भी मिस्टर अदनान को कॉल करके इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ मिस्टर अदनान सरकार. इट्स 76 मिस्टर अदनान प्लीज 9 6 7 6 3 0
30. That's my personal number, and my email ID is CEO@drbubbles.in. And हमारी वेबसाइट भी drbubbles.in है, तो www.drbubbles.in is our website. तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके सब डिटेल्स देख सकते हैं अबाउट फ्रेंचाइजिंग. ओके डियर पार्टिसिपेंट, वी हैव 3 मिनट लेफ्ट. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइट हैंड पे क्लिक कर सकते हैं या चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं. ओके अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर नीलेश सर कोटा से. उनका क्वेश्चन है एनी क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट अवेलेबल? यस सर, व्हाई नॉट सर, इजीली सेटअप. जो आपका आपका जो फॉर एग्जांपल इंटीरियर कॉस्ट है वो टोटली का टोटली बच जाएगा क्लाउड सेटिंग सेटअप करने के अंदर. जो आपकी मशीनरी है वो तो लगनी है, जो आपका माल जो है वो तो लगना ही है, बट जो आपका जो इंटीरियर कॉस्ट है वो टोटली के टोटली बच जाएगा. तो जो क्लाउड किचन में आप समझिए अप्रोक्सीमेटली 10-11 लाख रुपीज में पूरा क्लाउड किचन आपका सेटअप हो जाएगा, जिसमें आप टेक अवे और होम डिलीवरी ऑपरेट कर पाएंगे. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन रेज हैंड इन चैट बॉक्स एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मिस्टर अदनान. ओके मिस्टर अदनान, जाते जाते एक बार प्लीज अपना जो मेन्यू है अगर एक बार मेन्यू दोबारा दिखा पाए हमारे इन्वेस्टर्स को अपने प्रोडक्ट्स का मेन्यू प्लीज. So this is the basic menu. If you go to see iced coffees, mein what kind of items we have. So iced coffees, mein we have flavors like blue curacao, very exotic flavors like blue curacao, and very local flavors like kachi curry, mint mojito, passion fruit. What the Bombay ka local flavor is called variali, jo soft ka flavor rehta hai. Wo soft ke flavor ki hum coffee banate hai. Then hum iced tea pe bhi dekhe to hamara lychee watermelon flavor hai. Then masala jeera ki hum jeera masala sodas jo aate hain wo flavor ki iced tea hai. Kala katta iced tea hai jo Bombay ka local flavor hai. Gola jo iced ke gole milte hain uske hum jo sabse famous concept hai wo jo flavor hai to iced tea of Kalakatta bhi hai. Yogurt shakes mein bhi aap dekhenge to faluda flavor yogurt se faluda flavor lassi hai, butterscotch lassi hai. कॉफी के अंदर ओके ये जो मेन्यू है बहुत ही कम मैंने लगाया हुआ है, बट इट्स अ वेरी मोर एलैबोरेट मेन्यू जस्ट प्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए. हॉट कॉफी में भी जो रेगुलर पूरी कॉफी रहती है कैपेचिनो से लेके लाते से लेके एक्सप्रेसो शॉट्स से लेके सब रहता है. मिल्क शेक्स में भी आप देखेंगे तो हमारा मसाला मिल्क फ्लेवर है, शिकंजी फ्लेवर है, मीठा कलकत्ता पान फ्लेवर है विद अ वेरी वेरी डिफरेंट कलकत्ता पान का शेक लगता है एकदम. ओरियो शेक है, किटकैट शेक है जो अभी लेटेस्ट चल रहे हैं मार्केट में. आयरिश कॉफी है जो नॉर्मली बेलीज का जो टेस्ट आता है, इट हैज नो अल्कोहल इन इट बट या इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक बेलीज. नटेला की शेक है, बबल वॉफल जो आपने देखे थे जो बड़े है, रेड वेलवेट चीज केक, बेल्जियन चॉकलेट, किटकैट, ओरियो क्रीम, बेबी पैनकेक्स में वी हैव दी नेकेड नटेला, रेड वेलवेट. जो हमारे स्क्वायर वॉफल जो हमारे सबसे सेलिंग वॉफल है, क्लासिक बटर वॉफल्स एंड हेजलनट वॉफल्स एंड टीरामिसू वॉफल्स, ब्लूबेरी चीजकेक वॉफल्स, दिस द बेसिक मेन्यू वी हैव राइट नाउ. बट अगेन वी स्टार्टेड विद पिज्जा, वी स्टार्टेड विद सैंडविचेस, वी स्टार्टेड विद आइसक्रीम बर्गर्स, स्टार्ट विद वॉफल नाचो वो जो हमने इधर पुट अप नहीं किया है. वी इवन स्टार्ट विद दीस पोटैटो वॉफल्स भी है हमारे पास में. लॉट ऑफ न्यू आइटम्स वी कमिंग अप इन द मेन्यू. अगेन द फुल चाय मेन्यू इज ऑल्सो जिसके अंदर अदरक चाय, लेमन ग्रास चाय, बेसिक कड़क चाय, तो चाय का भी पूरा मेन्यू है, चाय बन पाव का पूरा मेन्यू है. एंड वही जो हम आइसक्रीम बर्गर्स में बंस यूज करते हैं वही हम मस्का भाव में भी वही बंस यूज करते हैं. तो वी ट्राई टू यूज अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम वन प्लेस इनटू फाइव प्लेसेस. तो हमने ये रखा है कि हमारे स्टॉक्स है वो बहुत ही मिनिमम हो एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा हो. तो वी ऑलवेज फोकस्ड ऑन दैट कि प्रोडक्ट ज्यादा हो एंड कॉस्ट हमारा कम हो.
So I will be sending you all of this on email also. So Ashwinji, let's take it over from here. Yes, sir. Thank you. Okay, dear participants, आज हमने इंडियाज वेल नोन एंड ग्रोइंग बबल टी एंड कैफे ब्रांड डॉक्टर बबल की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर अदनान जी से जाना एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप डॉक्टर बबल टी एंड कैफे ब्रांड की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या ब्रांड से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर बबल टीम से इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट्स 99 67 66 3030 30। आई रिपीट अगेन, इट्स 99 67 66 3030 30। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज़ आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टेक्ट number with mail ID in chat box. And if you want to know our next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to franchise apply team. Our contact number is 8209930950. And a warm thanks to Mr. Adnan Sarkar for addressing today's webinar session. Thanks a lot, sir. Thank you, Ashokji. And we'll be doing a lot of more of these webinars through Franchise Apply. So please be connected with Franchise India to come to know about the next franchise webinar of Dr. Bubbles also. Thank you. Thank you, sir. And thanks to our participants. Bye and take care.